अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप लोग पहले टाइम देखो, 7:44 जो है ना वो हो चुका है। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कहाँ पे हूँ, मतलब कल रात से आया हुआ हूँ और बहुत बुरी मतलब दुर्गति हो गई है। बुरी मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं गया भी नहीं इसके लिए ऐसा हुआ। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। देखो डिवाइस तो पहले आप चेक करो कि मेरा डिवाइस हो है ऑनलाइन। और मैं ना आज गाइस बॉम्बे से ऑनलाइन नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं पुणे में हूँ मैं। और मुझे जो है ना कल एक्चुअली मैंने एक प्राइवेट बुकिंग मारा था जो अलीबाग से लेकर आया, पिक एंड ड्रॉप था वो, खाली वहाँ से लेकर आना था अलीबाग से। तो अलीबाग गया मैं कारगर से तलोजा से और उनको वापस तलोजा ला के मैंने ड्रॉप किया। तो मैंने 2:30 मैं घर पर पहुँच चुका था। तो लास्ट में मैंने सोचा कि मैं ना मतलब इंटरसिटी चालू छोड़ देता हूँ, बाकी तो मेरे को काम पे जाना नहीं है क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी ऑयल पानी चेंज कराने का था। उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर देता हूँ और जाके ऑयल पानी चेंज कराता हूँ। और मैंने इतने में इंटरसिटी ऑन किया, तो इंटरसिटी ऑन थी, घर पे बैठ के खाना खा रहा था 3:00, तो मेरे को बुकिंग आई पुणे की बुकिंग आई पुणे सिटी की। मैंने 3:15 कस्टमर को वहाँ से पिकअप किया तलोजा से। आपको यकीन नहीं आएगा, 7:30 ड्रॉप किया है, 4:15 पूरा हाईवे पे पूरा घाट जाम था। और सिटी में ना कल जुलूस था तो उसकी वजह से पूरा जाम मिला मेरे को और हालत हो गई ख़राब। और फिर उसके बाद कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद एक बुकिंग आई मेरे को 17। अब सोचो मैं 130 किलोमीटर इधर आया और 130 किलोमीटर फिर से आगे जाऊँ, तो ये तो शायद मुमकिन नहीं था मेरे लिए, तो मैं नहीं गया 17। फिर लास्ट में ना बुकिंग मेरे को आई नहीं, फिर एक लोकल आई, लोकल मीन्स 250 रुपये की इंटरसिटी दिखा रहा था, तो वो मैंने नहीं लिया। फिर मेरे को नहीं आई। फिर मैं 11:00 होटल पे गया खाना खाने के लिए, तो खाने का पहले टुकड़ा उठाया जैसे ही खाना खाने को, सीधा बुकिंग आई मेरे को डोंबिवली। मैं बोला भाई यार कैसे टाइम पे दे रहा है, क्योंकि कस्टमर भी रुकने वाला नहीं है, 15-20 मिनट खाना खाने में चले आएगा। और गाड़ी मेरे से 3 किलो दूर खड़ी थी क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आया हूँ, वो मेरे को खाना खाने के लिए लेके गया। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, फिर सीधा मैं वहाँ से एक मेरे को ना ओला में बुकिंग आई लोकल 30 किलोमीटर, ओला प्राइम 2.21, लेकिन उसने मेरे को चुतिया बना दिया, 609 रुपये दिया। नहीं तो 2.21 प्राइम में पैसा होता है कम से कम 1000 रुपये, लेकिन 609 रुपये दिया ओला ने, यहाँ चुतिया बनाया मेरे को रात में। कोई बात नहीं, जैसा भी किया वो उसका अपना है और हमारा अपना फंड है, ठीक है गाइस। फिर मेरे को रात में 1:00 बुकिंग आई, पिंपरी चिंचोड़ के एरिया में मैं आ गया था, यहाँ पे देहू रोड में। फिर यहाँ से मेरे को एक बुकिंग आई एयरपोर्ट 1:00, मैंने नहीं लिया। मैं बोला सो जाता हूँ यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब अभी रात में क्या है गाइस, अगर आप रात में यहाँ से बुकिंग ले लेते हो ना तो आपकी पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, पूरी नाइट ख़राब हो जाती है, फिर दिन में काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने वो बुकिंग नहीं लिया, सोच रहा हूँ अभी आ जाएगी तो अभी ले लूँगा, क्योंकि 7:45 हो चुका है। तो फिर है ना गाइस, मैं सुबह तक सोया, अभी सुबह में एक बुकिंग आई गोरेगांव, लेकिन मेरे को क्या गाड़ी की सर्विस करानी है, तो ऐसी जगह की बुकिंग आए जो मैं फटाफट घर पे भी पहुँच जाऊँ, ऐसी बुकिंग मेरे को लेनी है। लेकिन ठीक है, अभी जो भी आएंगी ना मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हुआ था इसके लिए मैंने ये भी गोरेगांव की बुकिंग नहीं लिया। तो देखो आपने ना इस वजह से अपनी चर्बी की वजह से गलती करते थोड़ी सी, और वो उसकी सज़ा फिर अपने को भुगतनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, गाड़ी में भी अच्छे से सोया, ठीक सोया, नींद मेरी लगभग कवर हो गई है। और घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी पर ये सब सीन चलते रहते हैं, ये आपके साथ भी होएगा, कभी आपको नहीं मिलेंगे तो यहीं से हो जाने का, डरने का नहीं, ज़्यादा सोचने का नहीं। हर रोज़ अपन घर पर रहते, हर रोज़ अपन घर पर सोते, एक दिन अगर बाहर भी घूमेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ थोड़ी ना होता है। पैसे के लिए थोड़ा बहुत मरना पड़ता है, थोड़ा बहुत सब काम करना पड़ता है, दूसरी जगह सोना पड़ता है, गाड़ियों में भी सोना पड़ जाता है, क्योंकि अपनी है ना ड्राइवर लाइफ है, तो ड्राइवर की लाइफ थोड़ी सी ऐसी होती है। इसके लिए इस चीज़ को सोचने का नहीं, डरने का नहीं। और कल जो अर्निंग थी ना, वो देखो कुर्बानी दी लेकिन अर्निंग हो गई अपनी ज़बरदस्त, 4,670 रुपये की अर्निंग हुई थी। तो क्या जाता है गाइस, 4,670 की अर्निंग हुई अपनी, और मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं गाड़ी चलाया था कल, 12 घंटे भी गाड़ी नहीं चलाया था। तो ठीक है, अभी यहाँ से ना जैसे अपने को बुकिंग आएगी तो यहाँ से लेके निकल जाएंगे,
क्योंकि अब रुकना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वैसे आज वीकेंड का लास्ट दिन है, मतलब लॉन्ग वीकेंड था। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो उसकी छुट्टी है। बट शाम को यहाँ से लोग दोपहर के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत बुकिंग रहेगी। किसको भी भाई को अगर बॉम्बे से बुकिंग यहाँ मिलती है तो फटाक से यहाँ से लेकर निकल जाना। बट ये वीडियो आपको लेट मिलेगी, कोई बात नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। कभी भी वीकेंड का ध्यान रखने का, पुणे में, बॉम्बे में, बॉम्बे पुणे बहुत बुकिंग चलती है, इंटरसिटी छोड़ने का नहीं। और ये नहीं सोचने का नहीं मिलेगी, मिलती है। देखो जब से मैं पुणे आ रहा हूँ 1 से 2 मरतबा ऐसा हुआ है जो मुझे बुकिंग नहीं मिली है, वो भी मैं लेट नाइट और अपनी चर्बी की वजह से। ऐसा नहीं कंपनी ने नहीं दी बुकिंग, कंपनी ने मुझे हमेशा बुकिंग दिया है, पता है, लेकिन मैं अपनी चर्बी की वजह से यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। जब लेट नाइट बुकिंग आती है तो कोई भी बुकिंग ले लेने का सोचने का नहीं। नाइट में पैसा भी थोड़ा 200 रुपया ज़्यादा देता है, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, ये हाईवे चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को है ना, मतलब आगे पहुँच के कुछ देंगे इन्फॉर्मेशन रहेगी तो, नहीं तो बताएंगे कितना काम हो जाएगा और वीडियो को एंड करेंगे। काम बताने के बाद वीडियो को करेंगे एंड गाइस, और मैं मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को स्किप नहीं करके देखने का हमेशा कभी भी याद रखो। नहीं तो कोई चीज़ अपने काम की ऐसी होती है जो वीडियो में रहती है और वो निकल जाती है, फिर आपको देखने को नहीं मिलता। आप मुझसे सवाल करते हो, इसके लिए आप हमेशा कभी कभी छोटे सवाल करते हो, बहुत छोटे छोटे, सर हम गाड़ी लें या नहीं लें। अरे मैं आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आपको खुद करना पड़ेगा, खुद से कदम उठाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मेरे बताने से नहीं होगा। हाँ, हमारी वीडियो के थ्रू आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, कुछ जानकारी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी होता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, अपना आप खुद करना पड़ता है। इस दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा जी लो, थोड़ा मर लो, ठीक है। चलिए बाय बाय। तो ये देखो गाइस, बुकिंग है ना मेरे को आ चुकी है और मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे हूँ यहाँ पे बिल्डिंग में, ठीक है। बुकिंग आ चुकी है और इससे पहले जो अपने को आई वो आई रिज़र्वेशन। अब रिज़र्वेशन का टाइम टेबल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो 2447 रुपये सेडान इंटरसिटी है, टाइम 2 अक्टूबर 11:15 की बुकिंग है ये, और हिंजेवाड़ी से इसको पिकअप करना है और इसको ड्रॉप करना है जोगेश्वरी वेस्ट। अभी ना 11:15 है, सोचो आप लोग 11:15 है। और मेरे को फिर यहाँ से ना ये जो बुकिंग आई है ना अभी, ये बदलापुर की है, ये भी दे दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं, ठीक है उसमें मेरे को 2300 रुपये मिलता था और इसमें 1300 रुपये मिलेगा, 1000 कम है। बट यहाँ पिकअप करने से पहले यहाँ पे क्या करूँ, फालतू में बैठना पड़ेगा। यहाँ पिकअप करने से पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी मेरे को करानी है, ऑयल पानी भी चेंज कराना है सब। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये बुकिंग ले लेता हूँ और उससे पहले मैं घर पर पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ऐसा, मतलब ये सब सोच के प्लान करके करना पड़ता है। आप लोग भी प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखो, ठीक है। अभी है ना मैं यहाँ से कस्टमर को पिकअप करके, फ़ोन कर दिया है मैंने, पिकअप करके निकल जाऊँगा और सीधा बदलापुर छोड़ के देखेंगे कहाँ की बुकिंग मिलेगी अच्छी से। घर के साइड की मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो नवी मुंबई में कहीं की भी लेके निकल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, आगे का लोकेशन वगैरह सब आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो गाइस है ना, अपनी है ना इस बुकिंग का भी हो गया है कम्प्लीट बदलापुर में, कस्टमर को बदलापुर में मैंने ड्रॉप कर दिया है और ड्रॉप करके भी लगभग 15 मिनट हो गई है, बट अभी तक कोई बुकिंग यहाँ पे नहीं आई है। ओला भी उबर भी दोनों ऑन है, ये देखो। और इसमें जो पैसा मिला है ना अपने को 1332 रुपये मिला है, 119 किलोमीटर का, 119 किलोमीटर का 1332 दिया है टोल अलग से, ठीक है। बट बदलापुर में आज कोई बुकिंग मुझे लग रहा है शायद MT जाना पड़ेगा घर पर। यहाँ से मेरा घर 29 किलोमीटर है, तलोजा फेस टू 29 किलोमीटर। अब यहाँ से बुकिंग आएगी नहीं आएगी वीडियो में बताएंगे आपको, वीडियो को स्किप मत करो, पूरी देखो, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि ये ना ये लेफ़्ट राइट और यहाँ जाना वहाँ जाना ये सब बकचोदी हो गई है ज़्यादा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ और सिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब काम के रिलेटेड और बिज़नेस के रिलेटेड और थोड़ा सा जो अपने को ना लाइफ में ग्रोथ करना है उसके बारे में ये आपको थोड़ा सा बताना स्टार्ट करेंगे। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, आप लोगों ने शायद इससे बोर हो गए होंगे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद यहाँ से, क्योंकि कल की तो अर्निंग ठीक है अपनी हो गई थी, लेकिन आज की भी लगता है पता नहीं कितनी होगी, कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन अपने को जो है ना आज CNG मतलब गाड़ी का ये फ्यूल,
क्योंकि देखो सर, खाना सबको लगता है, तो गाड़ी को भी ना फ्यूल इसका सब पूरा सिस्टम कराना पड़ेगा मेरे को, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब पूरा चेंज करा दूंगा आज, तो फिर कल से वापस से रनिंग में निकल जाएंगे। लेकिन आज का काम का ठिकाना नहीं है, 1332 तो हो गया है, लेकिन अभी कितना होएगा पता नहीं। ठीक है गाइस, ये देखो, ये देखो भाई, गाड़ी वाड़ी धुला के ना अपनी हो गई है फिट। ये देखो, और मैं ना फाइनली पहुंच गया हूँ अपनी बिल्डिंग में। ये देखो भाई लोग, आप लोगों के लिए सरप्राइज के जैसा हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर पे था, और फिर बाद में है ना मेरे को वहाँ से बुकिंग आई। देखो मतलब कल के जैसा सेम सीन हो गया कि मैंने चालू करके रखा था सिर्फ इंटरसिटी, और घर पे ना मैं गाइस सो गया था, सोते सोते ही मैं 1 घंटा सोया लगभग, और मेरे को आ गई ये बुकिंग पुणे की। ये देखो 2 घंटा 54 मिनट इसमें लगा है, और 1758 रुपये मेरा सेडान में बुकिंग थी, सेडान इंटरसिटी। और अभी है ना मैं मतलब पहुंच गया हूँ फाइनली यहाँ पे। वापसी की कोई बुकिंग आई तो नहीं है, लेकिन आएंगी ज़रूर, क्योंकि आज वीकेंड का लास्ट डे है, आज वीकेंड का लास्ट डे है, तो इसके लिए अपने को ना बुकिंग आएगी ज़रूर, और जल्दी ही आएंगी। ठीक है, किधर की आएंगी बताएंगे आपको सब कुछ। देखो आज तो काम है ना अपना, मतलब बहुत कम ही होने वाला था, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपके नसीब में जो लिखा है ना, वो काम उतना आपको मिल के ही रहता है। और गाड़ी की सर्विस भी नहीं करा पाया मैं, क्योंकि मेरे को बुकिंग आई। अपॉर्चुनिटीज़ मेरी खासियत है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो इसके लिए मैंने ले लिया और पुणे आ गया। अभी यहाँ से रिटर्न की बुकिंग ले लेंगे, और 9 से 10 बजे से पहले पहले मैं घर पे पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ से किधर की बुकिंग आएगी, कहाँ जाएंगे, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो देखो ऐसा आप लोग भी ऐसे ट्राई करो कि घर पे खाली बैठे हैं तो सिर्फ इंटरसिटी चालू रख के छोड़ दो, बाकी बंद करो। खाली भी बैठे और अगर इंटरसिटी आ जाती है तो लेके आ जाने का, इसमें अच्छा अर्निंग बन जाता है बहुत कम टाइम में। ठीक है, देखो ये सोसाइटी है, यहाँ पे मैंने सर ड्रॉप किया है। तो गाइस मैं ना फाइनली पहुँच गया हूँ घर पे, मतलब, और टाइम देखो क्या हो रहा है, आप लोग 10:35 जो है ना वो हो चुका है, और देखो बिल्डिंग के इधर ही हूँ मैं अपनी, और डिवाइस जो है ना अभी भी ऑनलाइन है, मतलब मैंने इंटरसिटी चालू किया हुआ है, और फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ 10:30। और ये आप लोग ने कितना देखा ना शेड्यूल पूरे दिन का कैसे काम किया मैंने, तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग भी है ना अपॉर्चुनिटी छोड़ने का नहीं। और आज जो है ना अपनी कस्टमर के साथ थोड़ी सी बहस हो गई है, वो इस बात को लेके हो गई है, आप लोग भी हमेशा इसमें ध्यान रखना। कस्टमर जब भी गाड़ी में बैठता है ना उसको इंटरसिटी के लिए, पहले उनको बोलने का कि सर टोल इंक्लूड नहीं होता है, टोल पार्किंग टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो ये आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता था, बट मैंने अभी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कस्टमर वहाँ से रिप्लाई करते कि पता है, तो जब वो लोग बोलते कि पता है तो फिर मैं, हम लोगों की आदत छूट गई मेरी कि मैंने बोलना बंद किया। बट आज उसी बात को लेकर बहस हो गई, क्योंकि कस्टमर बोलता है नहीं नहीं इंक्लूड होता है। मैं बोला सर आप गलत बहस कर रहे हो मेरे साथ में, इंक्लूड नहीं होता है तो बिल में, तो बहस कर रहा था। फिर मैंने बाद में मैं बोला सर आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, और गाइस स्कूल के प्रोफेसर कौन कौन ऐसे सब टीचर लोग थे, टीचर लोग थे कौन, अब्बा है क्या, टीचर स्कूल के टीचर ये वो सब लोग थे, बट बहस कर रहे हैं मेरे साथ। मैं बोला सर आपने बुकिंग करने के टाइम पे पढ़ा नहीं है शायद, आपको इतना भी नहीं पता, कम से कम पढ़ना चाहिए, उसमें टोल इंक्लूड नहीं होता है। तो बोलते नहीं होता है, फिर बहस करने लगे। फिर मैंने दिखाया कि देखो आप वापस से बुक करो, आपको दिखाएगा, तब जाके पैसा दिया, और उसमें ही मेरे को बोल रहे कि ये उबर वाले ये लोग ये ऐसे ही करते वैसे ही करते। फिर मैंने डांट के भगाया, मैं बोला ज़्यादा फालतू बाग बकवास नहीं करने का इधर, ये आपका पैसा, ये मेरा मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये टोल मैंने दिया तो आपने वहाँ से पे किया, नहीं तो मेरा नहीं है ये। तो फिर जब शांति बैठ गए और चुपचाप चले गए। तो ऐसे प्लीज़ आप लोग, लेकिन क्या है इस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा बहस मत कर लेना आप लोग, कभी मार पिटाई पे आ जाए, ये फालतू काम नहीं करना है, बल्कि प्यार से आराम से समझाना है उनको, बताना है कि देखो इंक्लूड होता है, उसमें ऐड होके दिखाता है, मतलब अलग से पे करना पड़ता है, इसमें दिखाता है ऊपर में। ठीक है, आज का काम देखो पहले आप लोग, 4800 का आज भी हो गया, कल भी हो गया था, मज़ा आ गया। और CNG जो है ना वो लगभग गई है मेरी
सात और पाँच 12, 12, 12, 1250 रुपये की सीएनजी लगी आज, सिर्फ 1250 की सीएनजी में कितना मस्त काम हो गया अपना। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। और एक चीज़ और कि जिन भाई को ओला उबर के रिलेटेड कोई काम हो, मतलब नया आईडी बनाना है या आईडी ट्रांसफ़र कराना है या कोई भी ओला उबर के रिलेटेड कोई भी काम हो, तो प्लीज़ वो मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर लगा रहा हूँ लास्ट में, अभी आप लोग देख लेना, यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना काम करा सकते हैं ओला उबर का कोई भी काम। तो मैं मिलता हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे, कुछ इंटरटेनमेंट और कुछ आपको जो है ना मतलब समझाने की बातें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। चलिए बाय बाय।